प्रभे गौरचंद्राय राधिकाय इस्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्रीरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज का चरण कमल रे अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम जनवचि। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोजरे श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करूछि। उपस्थित भक्तवृंद समस्त को यथाजोग्य प्रणाम करूछि। आज आम मैंने श्रवण करवा भगवान कृष्ण कर जन्मर कारण कौन। कृष्ण निजे गीतार कहते हे अर्जुन बोले अजोपि सर्ण अभय आत्मा भूतानापि ईश्वर पिशन प्रकृति समधिष्ठाय संभवामी आत्म माया। बोले हे अर्जुन मोर जन्म नहीं तेणु जन्म कर्म चमे दिव्यम। मोर जन्म कर्म हूँ दिव्य अलौकिक एवं अप्राकृत कितु किसी लोक कहते अरे आम जमी जन्म हो महाप्रभु तो सेमती जन्म नहीं रही कितु कृष्ण कहते नुह मोर जन्म कर्म हूँ दिव्य अप्राकृत अलौकिक से तत्वतः कहीं जापारती हे अर्जुन त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन सी शरीर छाड़िया पर द्वितीय थर जगत से जन्म ग्रहण ही करती तेणु महाप्रभु जो जन्म ग्रहण करे से समय से चतुर्भुज रूपे दर्शन दे दर्शन देकर पूर्व जन्मर समस्त से कथा कही पूर्व जन्मर कि भाव तुम्हें प्रिष्णी सुतवा रूप से जन्म ग्रहण करमें निजर संसार भोग सुख न करी 10,000 वर्ष पर्यंत खाली सुखिला पत्र आहार कर भजन करते मु दर्शन देकर कह कौन चाहूँ से समय कही आपण मोर गोटे पुत्र दरकार अच्छी तेरे भगवान कहले देख मो भि तो कई जगत पुत्र नहांती कहीं वेद कहते न तत् समस्या अधिक सदृशते अर्थ हूँ बड़ कथा छाड़ दिंतु सामान मत जगत कही नहांती सी असमर्थ तत्व भगवान तेणु भगवान कहले मु तुम पुत्र रूप में आसवि तेणु भगवान कहते हे अर्जुन मुझे अज अज अर्थ है मोर जन्म नहीं किंतु मु निजर जोग माया को आश्रय ग्रहण करी हे जगत रे मु जन्म निए जगत रे जन्म मु निए आम मैंने कहीं जन्म ग्रहण करचु आम मैंने महामाया जोर करी कर्म फल को भोग करिया पाई से बाध्य करी जन्म नेवा को हे किंतु महाप्रभु निज इच्छा रे जगत रे आसंती तेणु आम कहूसी अवतरण कर अवतरण अर्थ कौन अप्रपचात प्रपंच अवतरण इति अवतार अर्थ हूँ से दिव्य गोलोक वृंदावन तांकर इच्छा अनुजाई ये जगत को सी अवतरण करती तेणु अवतार कहा जाए तेणु भगवान कहीं अवतरण ग्रहण करे तेणु आमर शास्त्र रे एवं आमर साधु माने या पचर विभिन्न कारण देखते आज आम से विषय शुणा तार प्रथम कारण है बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। बोले हे अर्जुन ये जगत रे जेते बेले ये जगत रे धर्म हानि होवा को आरंभ हुए अधर्म बढ़िवा को आरंभ करे साधु संत को परे गो ब्राह्मण पृथ्वी को पर अत्याचार हुए सही समय रे मु अवतीर्ण हेकिरी मु दुष्ट मान को विनाश करे एवं साधु मान को मु पालन करे तेणु ये जगत रे मु अवतीर्ण हुए यहाँ हूँ प्रथम कारण। द्वितीय कारण कौन बोले अनुग्रहाय भक्तानां करोमि विविध क्रिया अर्थ हूँ मु भक्तों को अनुग्रह करिया पई आसे यदि कृष्ण जन्म नहीं था हम कृष्णकर जन्मतिथि संपूर्ण पृथ्वी से जन्म उत्सव को से पालन करती आहमानंद कोले गोविंद एवं वृंदावन संपूर्ण वृंदावन संपूर्ण पृथ्वी सुंदर सुंदर बधाई कृष्णकर जन्म उत्सव करी आनंद नियंती एवं भगवान राम भगवान कृष्ण
जे ए मधुर जे लीला करछंती ए लीला कथा को हम माने श्रवण करकिरी हमर निज मनटी भगवान कर चरणे हमें लगाओ जगन्नाथ अगर मध्य सही अब जो जो समय रे भगवान अवतार हेतिले केतले से मत्स्य केतले कुर्म केतले बराह नृसिंह बामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल्कि जगन्नाथ कर समस्त से श्रृंगार हुए जगन्नाथ कर भक्त माने से ही श्रृंगार को दर्शन करी से आनंद अनुभूति करंती तेनो भगवान कहछंती भक्त को मु अनुग्रह करिया पाई जगत रे जन्म ग्रहण करे तार तृतीय कारण कण आमे आगे सुनिलु से जे कृष्ण सुतपा पूर्व जन्म रे तांको पुत्र प्राप्त करिया पाई से वर मागिथिले तेनु महाप्रभु को जन्म ग्रहण करिया गेला तार चतुर्थ कारण कहछंती बोले द्रोण एवं धरा आगर जन्म रे कठोर ब्रह्मा को उपासना करले ब्रह्मा जेतेले संतुष्ट हेले बोले कौन चाहौचो बोले हे प्रभु आपण जे भली भाव रे स्वाभाविक रूप रे एने माँ के पेट रु जन्म ग्रहण करती माँ जमी कोखे काड़ी गिरी बड़ करती शासन करती आदर गेल करती मुझे चाहूँगी आपण मोर पुत्र होकर आसतु भगवान कहे ठीक अच्छे तुम घरे मु पुत्र होकर जन्म ग्रहण करी तेणु से नंद जशोदा रूप से आसिले महाप्रभु तांकु से पुत्र रूप से स्वाभाविक रूप से जन्म होकर से आनंद दे पंचम कारण कौन जेतेबेले श्री भगवान राम लक्ष्मण सीता बनवास जाइले सुपर्णखा मध्य रूप देखकर आकृष्ट हो जाती बहुत करने चाहती किंतु महाप्रभु कहले मो सांग सीता अच्छी तेणु मु तुमको बाहा करपरिनी से समय लक्ष्मण जो काठ नहीं आसिले से कहे ये किए बोले ये मोर छोट भाई बोले या सागर बहुत करचार देख से लक्ष्मण कहले मुझे देख ली तो कौन बड़ भाई पाखे किसी कहूल बोले से मोर प्रेम कथा बुझलानी तेणु मो सागर तुम्हें बहुत कर बोले तू दासी हाँपाई चाहूचु ना राजी बोले राजी बोले मुझे महाप्रभु घर बोले दास मो सागर बहुत करे तुम सेवा करकेजी तेणु राणी हाँपाई चाहूच तो भगवान राम पाख प्रार्थना कर किंतु से ही समय देखिले राम स्वीकार करले तेणु से सीता को जो खायापाई गले से ही समय लक्ष्मण तर नाकान काटिदेले नाकान कहीं काटिले सीए बोले कारण हूँ लक्ष्मण हेले गुरु गुरुंर काम कण गुरुंर काम हूँ शिष्य को उपयुक्त करी भगवान के सेवार लगेवा तेणु जदि जड़े स्त्री जिते सुंदरी क्यों ना हो नाक कान काटि दिया हुए जगत कहीं पचारे लक्ष्मण देखले तू हृदय तू भगवान राम को तू बसई देचु अत जगत तुम कहीं स्वीकार न करती तेणु से ही रूप सुपर्णखा कृष्ण अवतार रे से ही कुब्जा होकर जन्म ग्रहण करले आर महाप्रभु ताकु स्वीकार करले महाप्रभु ताकु एटा मध्य होचि गोटे कारण एवं यार जे षष्ठ कारण हैला जेतले भगवान बामन अवतार नहीं करी बली महाराज पाखु को सीए भिक्षा मागिया आसिले तांकर गोटे झील थिला जहांकर नाम था रत्नमाला सीए भगवान कर बामन रूप देखिकरी तांको पुत्र भाव सीए प्रार्थना करथिले यदि एई भली भाव मोर गोटे पुओ हुए सारा दिन तांको कोले नहीं गेल करिया चाहे भगवान कहे ठीक अच्छे मु पुहरी आसवि कि जो भगवान बामन अवतार रे गोटे चरण सीए भूर भुव मोहजन तप सतलोक पर्यंत बढ़ीदेले तृतीय चरण से सीए अतल पाताल पिताल सुतल तल लोक पर नहीं गले से तृतीय चरण रखा स्थान ना नागभास बंधन में बांधिले से कहले मो बाबा सब कुछ नहीं पुणे नागभास बंधन में बांधि दिल तुम यदि मोर पुओ होकर आसव तुमको क्षीर कौन खुब तुमको मो विष खुबी तेणु से पुतना होकर आसिले महाप्रभु ताको इच्छा पूर्ण करिले एवं भगवान राम जितने दंडकारण्य को गले से ऋषि मुनि माने कठोर तपस्या करुले भगवान राम को रूप देखकर से श्याम स्मरण है से कहले आमको तुम्हें पत्नी रूप से ग्रहण कर बोले राम अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम लीला तेरे कृष्ण अवतार आसिले तुमको स्वीकार कर सब गोपी होकर आसिले भगवान जो जनकपुरी को गले से जनकपुरी जे स्त्री माने भगवान को निजर पति रूप से प्रार्थना करती भगवान कहले तुम मैंने गोपी रूप से आस एवं किसी वेदर मंत्र से मध्य कठोर तपस्या करे भगवान जिते दर्शन देले बोले कौन चाहूँच आपण को मु गोपी रूप से
प्रार्थना करिया पई चाहूची भगवान कहले ठीक अच्छी तो माने गोपी रूप रे द्वापर युग रे आसो तनो सही समस्त मंत्र माने सही गोपी रूप रे से माने आसंती महाप्रभु ताकू ग्रहण करंती। तब राम अवतार रे जते बेले प्रत्येक वर्ष भगवान राम गोटे असमेध यज्ञ से करथिले किंतु वशिष्ठ कहले देख राम बिना पत्नी छड़ा तमे यज्ञ करी पारिव नाही। तेणु सीता को तो भगवान राम ऑलरेडी से वनवास पठाई देथिले तेणु ताक सांगरे सीता नहांती कहले तमर पिता कर तीनटा स्त्री थिला तन तमे आउ गोटे स्त्री को विवाह कर। भगवान राम कहले मु मर्यादा पुरुषोत्तम सीता छड़ा मु काहाको स्वीकार करि पारिबिनि आउ कोनसी उपाय कुहो। बोले स्वर्ण सीता तैयारी करी अपन बाम पार्श्वर रखी करी अपन यज्ञ करी पारिबो तेणु सी 11,000 वर्ष राजत्व करले प्रत्येक वर्ष रे जड़े नुआ नुआ सीता तैयारी हुए तांकर प्राण प्रतिष्ठा वशिष्ठ करथिले तेणु सी 11,000 वर्ष सी राजत्व करले सब सीता माने गुआड़ गले से समस्त सीता माने द्वापर युग रे सब गोपी रूप रे आसिले तेणु अमर जगन्नाथ प्रभु कृष्ण समस्तंकर इच्छा को सी रक्षा करले। तेणु ये बहुत कारण को लेकर भगवान अजन्मा हेले मध्य भगवान जगत रे जन्म ग्रहण करी भक्तंकर इच्छा को सी पूरी करछंती। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि।